AI टी-शर्ट डिजाइन के ऊपर आज तक सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हो कैसे AI का यूज करके फ्री में अनलिमिटेड टी-शर्ट डिजाइन जनरेट करना है विदाउट एनी कॉपीराइट, तो इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए। एंड ये वीडियो में मैंने ए टू जेड सब कुछ कवर करके रखा है, कौन से वेबसाइट से आपको करना है, कैसे आपको मॉडिफाई करना है, अपस्केल करना है, कैसे आपको डिजाइन टी शर्ट पर ऐड करना है, सबको इस वीडियो में बात किया है। वीडियो को एक बार पूरा देखिए। आप चाहे तो डिजाइन को अपने टी शर्ट बिजनेस पर यूज कर सकते हो, या फिर आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हो, किसी और को एक डिजाइन सर्विस ऑफर कर सकते हो फाइवर guru.com freelancer.com पर। तो आज के इस वीडियो में आपको डिजाइन बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले आपको आना है चैट GPT पर। यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट डालना है, तो प्रॉम्प्ट में कर देता हूँ पेस्ट। तो ये है प्रॉम्प्ट, प्रोवाइड अ टी शर्ट डिजाइन आइडियाज फॉर इमेज जनरेटिव AI। आपको पहले थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा ये प्रॉम्प्ट क्या है, इससे क्या होगा, तो ट्रस्ट मी गाइस, वीडियो को एक बार पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस प्रॉम्प्ट को करते हैं एंटर। प्रॉम्प्ट एंटर करते ही चैट GPT ने हमें 5 इमेज आइडियाज दिया, क्योंकि हमने लास्ट लाइन में लिखा नाउ क्रिएट 5 टी शर्ट डिजाइन आइडियाज ऑफ म्यूजिक। आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, म्यूजिक की जगह आप कुछ और दे सकते हैं, 5 की जगह आप 10 दे सकते हैं। अब हम इस इमेज कैसे जनरेट करना है, तो ये सभी जो 5 देख सकते हो ना, एक एक करके प्रॉम्प्ट है, जिस प्रॉम्प्ट को हम फायरफ्लाई में पेस्ट करने वाले हैं। ये है Adobe फायरफ्लाई, जिससे आप टेक्स्ट से लेकर फोटोज जनरेट कर सकते हैं। एंड ये तो बस शुरुआत है, आपको आगे बहुत कुछ करना है डिज़ाइन अच्छा बनाने के लिए, सब कुछ मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपने जो पहला वाला जो प्रॉम्प्ट मिला, इसको आपको कॉपी करना है। मैं कर रहा हूँ कॉपी, एंड Adobe फायरफ्लाई पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। ओके, अब मैं क्लिक करूँगा जनरेट पर। एंड Adobe फायरफ्लाई ने मुझे 4 इमेजेस जनरेट करके दिए। ये 4 डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हो, ये पहले प्रॉम्प्ट के लिए। दूसरे प्रॉम्प्ट के लिए आपको और 4 डिज़ाइन मिलेगा, देख सकते हो, एक प्रॉम्प्ट आपको 4 डिज़ाइन मिलेगा, यानी अगर आप 10 बार ऐसे प्रॉम्प्ट करते हो तो आपको 40 इमेजेस मिल जाएंगे। तो इनमें से 4 काफ़ी आइडेंटिकल है, इनमें से जो बेस्ट है वो हम चूज़ करने वाले हैं। तो मुझे ये वाला डिज़ाइन सबसे अच्छा लग रहा है, इसे मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड, एंड ये वाला डिज़ाइन मेरा डाउनलोड हो जाएगा। यह रहा हमारा डिज़ाइन, मगर इसमें कुछ कमियाँ है। पहले बात तो थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, एंड दूसरी बात नीचे आपको एक वाटरमार्क मिल जाता है, एंड जो इमेज है ये कॉपीराइट फ्री नहीं है, इस पर आपको कॉपीराइट आ सकता है। तो बहुत कुछ काम करना है, सबसे पहले हम बहुत सारे इमेजेस जनरेट कर लेते हैं। पहला वाला हो गया, दूसरा वाला करने के लिए दूसरा वाला प्रॉम्प्ट करेंगे यहाँ से ऐसे कॉपी, एंड सेम टू सेम फायरफ्लाई पर करेंगे यहाँ से पेस्ट, यहाँ से जाके अब हमें और डिज़ाइन करके देगा। देखिए हमारे पास और 4 डिज़ाइन आ गया है, इस बार गिटार में, एंड गिटार में ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसे हम करने वाले हैं डाउनलोड। अब आप चाहते हैं म्यूज़िक की जगह आप कुछ और दें, तो इसे हम करेंगे एडिट, हम म्यूज़िक नहीं देंगे, म्यूज़िक की जगह आप एनिमल्स देना चाहते हैं। ओके, एनिमल्स मैंने दे दिया, अब मैं क्लिक करूँगा फिर से जनरेट पर। अब जो ये प्रॉम्प्ट दे रहा है वो एनिमल्स के ऊपर है, आप अपने हिसाब से किसी भी कैटेगरी में बना सकते हैं। तो पहला वाला प्रॉम्प्ट हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, पहला वाला प्रॉम्प्ट यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, एंड फिर से आएंगे फायरफ्लाई पे, एंड ये वाला भी हम करने वाले पेस्ट, एंड क्लिक करेंगे जनरेट। एंड इस पर हमें एनिमल्स रिलेटेड डिज़ाइन आ गया है, इनमें से ये वाला डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, इस समय क्लिक करने वाला डाउनलोड। देख सकते हो हमारे पास 3 इमेजेस आ गया है, 2 म्यूजिक एंड 1 एनिमल रिलेटेड। अब आप चाहे तो और भी ज़्यादा इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो अनलिमिटेड। आज की वीडियो के लिए मैं 3 इमेजेस के ऊपर डेमो करके दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे हमें आना है remove.bg पर। अब यहाँ पर क्यों आना है आपको आगे पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको एक एक करके सारे इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो क्लिक करेंगे अपलोड इमेज, पहला इमेज सिलेक्ट करते हैं ये वाला, एंड बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया, साथ में यहाँ पर जो लोगो था फायरफ्लाई का वो भी रिमूव हो गया। अब हम क्लिक करेंगे डाउनलोड, यहाँ पर एक कैच है, अगर आप डाउनलोड फ्री में करना चाहते तो आपको लो क्वालिटी मिलेगा, अगर आप HD में करना चाहते हो तो हाई क्वालिटी मिलेगा, मगर आपको पैसे देना पड़ेगा। मगर हम लो क्वालिटी में ही डाउनलोड करेंगे, एंड इसे हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं iLoveIMG, एंड इन सभी वेबसाइट के लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ पर हमारा वेबसाइट का लिंक है, उस वेबसाइट में आर्टिकल में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इमेजेस को करेंगे अपलोड, हम लो क्वालिटी का PNG यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं, एंड इसे हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए हमारा बिफोर एंड आफ्टर इमेज, हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके का था, बहुत ही लो क्वालिटी, एंड अपस्केल करके कितना हाई क्वालिटी बना दिया। अब इसे करेंगे अपस्केल, तो हमने डाउनलोड कर लिया। अब इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना है बाकी 2 इमेजेस के लिए, मैं कर लेता हूँ जल्दी से। ओके, हमारे इन सभी फ़ोटोज़ को अपग्रेड करके ऐसा बना लिया, ये हमारे पुराने फ़ोटो जहाँ पर वाटरमार्क था, लो क्वालिटी था, एंड नई फ़ोटो में आपको बैकग्राउंड नहीं मिलता, वाटरमार्क भी नहीं मिलता, हाई क्वालिटी में है। तो पुराने चीज़ों को हम कर लेते हैं यहाँ से डिलीट, एंड ये है हमारे नया डिज़ाइन।
अब आप इस डिज़ाइन को टी शर्ट में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पीएनजी बन गया है। ओके, आप तो ऐसा यूज़ कर सकते हैं या फिर एक और तरीका इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल है, हम स्पेशल तरीका दिखाएंगे। आप चाहते इन सभी को डायरेक्टली यूज़ कर सकते, कोई प्रॉब्लम है नहीं, मगर हम एक स्पेशल ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। उसके लिए आपको चाहिए canva.com, कैनवा का प्रो वर्जन चाहिए आपको। अगर आपको कैनवा प्रो लेना है, उसके लिए एक ट्रिक है, यूट्यूब पर सर्च कीजिए हाउ टू गेट कैनवा प्रो, एंड वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकता वीडियो पर, वरना वीडियो टेक डाउन कर दिया जाएगा। आप चाहे तो हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको क्लिक करने कस्टम साइज, एंड आपको 1000x1000 का एक ले लेना है पेज, क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन, एंड यहाँ पर आपको उन सभी डिज़ाइन को अपलोड कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो ये वाला डुप्लीकेट होगी, इसे पढ़ लेते डिलीट। सबसे पहला डिज़ाइन लेना है, हम ले लेते हैं ये वाला लायन वाला डिज़ाइन। यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड में ब्लैक ब्लैक चीज़ें हैं, क्योंकि कैनवा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को ब्लैक बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर लेता है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो बीजी रिमूवर कैनवा का। तो मैं क्लिक करता हूँ एंड ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो ये रिमूव डॉट बीजी है, इसका यूज़ आप स्किप भी कर सकते हो, आप चाहे तो यूज़ ना कर सकते हो। ओके, आप चाहे तो कोई और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, फोटोस्केप प्रो, फोटोशॉप, या फिर अगर आप फोन पे कर रहे हो तो पिक्सआर्ट का यूज़ कर सकते हो। तो जिन लोगों के पास कैनवा प्रो नहीं है, उसके लिए मैं बता रही हूँ रिमूव डॉट बीजी यूज़ कर सकते हो, मगर आप कैनवा प्रो ले सकते हैं काफ़ी इजीली। एंड ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, किसी भी कंपनी ने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया है वीडियो बनाने के लिए। सो सब कुछ मुझे अच्छा लगा सारा प्लेटफॉर्म, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए बैकग्राउंड रिमूव तो हो गया, आप देख सकते हैं ये वाला चीज़। एंड ऐसा नहीं कि आपको बस कैनवा पे ही करना है, आप चाहते किसी और सॉफ्टवेयर में, किसी और वेबसाइट पे ये वाला चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो मेन टास्क है प्रॉम्प्ट जनरेट करना, इमेजेस जनरेट करना, अपस्केल करना, वो काम खत्म हो चुका है। अब हमें चीज़ों को डिज़ाइन या फिर स्ट्रक्चर करना है। तो ये हमारा डिज़ाइन मिडिल पे लाते हैं। एंड एक और चीज़ बात, आपको एक और प्रॉम्प्ट डालना है, प्लीज़ सजेस्ट 5 क्रिएटिव एंड कूल टेक्स्ट टू ऐड टू आवर टी शर्ट डिज़ाइन। अब ये प्रॉम्प्ट डालना है, क्यों डालना है मैं आपको बताता हूँ। ओके, हमारे पास 5 चीज़ें आ गया, 5 टेक्स्ट। तो हम क्लिक ये वाला करेंगे कॉपी, रोर ऑफ द एजेस कॉपी, एंड कैनवा पे करेंगे यहाँ से पेस्ट। अब ये वाला टेक्स्ट जो होता है ना, हमारे डिज़ाइन को और भी एडवांस बना देता है। तो आपको यहाँ से चेंज करने फ्रॉन्ट, कैसा फ्रॉन्ट आप चाहते हो, ऐसे कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से डिज़ाइन को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये वाला को नीचे कर देते हैं। अब आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब इफेक्ट्स में जाके टेक्स्ट इफेक्ट भी चेंज कर सकते हो, शेडो ला सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो, हॉलो बना सकते हो, ये काफ़ी कूल लग रहा है, नियॉन बना सकते हो, एंड कर्व भी बना सकते हो। यहाँ पर करके कर्व बना देते हैं, ये वाला अच्छा लगेगा। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेना। अब बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमें, नन चाहिए। एंड ये हमारा एक डिज़ाइन रेडी हो गया, थोड़ा सा सेंटर, ओके, टेक्स्ट को भी थोड़ा सा सेंटर, हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो गया। अब ये सभी चीज़ों को आपको रिपीट करना है। हमने चैट जीपीटी को बोला हमारे डिज़ाइन के लिए कुछ टेक्स्ट सजेस्ट करो, अब बाकी टेक्स्ट को आप कॉपी करके बाकी डिज़ाइन में आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब इसको करेंगे ऐसे शेयर। एक चीज़ आप नोटिस करना, जब मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, आपको सिलेक्ट करना है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ताकि इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाए, एंड क्लिक करेंगे डाउनलोड। मगर रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है गाइस, बस इतना ही नहीं, हम इसे और कस्टमाइज़ करने वाले हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पहले ही चेक कर रखा है कि हम AI इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर लिखा रहा है साफ साफ कि AI इमेजेस कॉपीराइट के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ने नहीं बनाया, AI ने बनाया। तो हम AI इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, एंड उसके बाद अगर आप इतना ज़्यादा कस्टमाइज़ करेंगे तो और भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइज। तो इसे और भी अपडेट करते हैं, हम यूज़ करने वाले टेक्स्ट स्टूडियो। यहाँ पर हमने टेक्स्ट को और भी ज़्यादा एडवांस बना सकते हैं। तो लाइन है, क्योंकि लाइन के लिए हम यूज़ करने वाले रोर, एंड आप स्टाइल चेंज कर सकते हो, आप अपने स्टाइल को किस तरीके से बना सकते हो, आइकन भी दे सकते हो। यहाँ पर आप देखना बहुत सारा आइकन मिल जाएगा। अगर मैं आऊँगा यहाँ पर टेक्स्ट स्टूडियो के होम पेज में, यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टिकर मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। इन सभी स्टिकर को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्ट्रीट फाइटर लोगो। तो ये वाला डिज़ाइन हम यूज़ करने वाले हैं, एंड यहाँ पर टाइप करने वाले रोर, ROAR। ओके, एंड यहाँ से हमें क्लिक करना है PNG ट्रांसपेरेंट पर, हमें ट्रांसपेरेंट इमेज चाहिए, एंड कैनवा पर इम्पोर्ट कर देंगे। तो ये वाला चीज़ आ गया। अब इस टेक्स्ट से ये वाला बहुत ही ज़्यादा 1000 गुना अच्छा लग रहा है। अब चाहे तो ये सेम टेक्स्ट जो रोर ऑफ एजेस है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बड़ा वाला लिख सकते हैं। मैंने बस रोर दिया ताकि अच्छा लगे। तो ये हम करते हैं डिलीट, लायन को ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा ऊपर, रोर को थोड़ा सा नीचे डालते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं,
यानी हमारा डिज़ाइन बन गया। ओके, अब इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाया नहीं, स्टाइल्स में जाके ग्रेडियंट, बहुत सारे आइकन्स भी बना सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें बैकग्राउंड तो चाहिए नहीं। अब इस सेम प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हैं बाकी डिज़ाइन के लिए, जो मैंने सेम प्रोसेस बताया बाकी चीज़ों के लिए भी आप सेम यूज़ कर सकते हैं। कैनवा प्रो के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप चाहे तो मोबाइल पर भी कर सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं। कैनवा प्रो में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए, उसके लिए प्रो वर्जन चाहिए। अब इसे हम कर लेते हैं डाउनलोड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, एंड साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हाई क्वालिटी में। ओके, एंड करेंगे डाउनलोड। अब हमने अपने डिज़ाइन को टी शर्ट के ऊपर डाल के रखा कि कैसा दिखता है, कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। टी शॉप और टी पब्लिक है, प्रिंट फुल, प्रिंटिफाई एंड टी स्प्रिंग, बहुत सारे आपको प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। सभी को हमने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। आपको टाइटल तो है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमने बनाया टी शॉपर से। टी शॉपर के ऊपर पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, आप चाहे तो देख सकते हैं।